हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल, बिकॉज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन यार। तो आज हम मैच करने वाले हैं टीम आरआर वर्सेस टीम ब्रॉलिंग ब्रूट्स। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है भाई। क्या आज आरआर की टीम जो 2K23 पर मेरी इस गेम में पहली बार आ रही है, क्या ब्रॉलिंग ब्रूट्स को हरा पाती है कि नहीं। और बुच और रैंडी ऑटन स्टार्ट कर रहे हैं मैच को, और ऑटन आरकीओ देने जा रहे थे भाई, ऑटन आरकीओ देने जा रहे थे पर अचानक से रुक गए। और लो भाई, बुच ने लगा दिया अपना फिनिशर, बुच ने अपना खतरनाक फिनिशर लगा दिया ऑटन को आते ही। पर पिन तो नहीं होगा इतना जल्दी, ऑटन है भाई, पिन तो नहीं होगा इतना जल्दी। और यार पिछले वीडियो में तुम लोगों को कोई सपोर्ट ही नहीं आया मेरे भाई, सपोर्ट करो यार, वीडियो को कमेंट भी करो यार। तो यार इस वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई। ओ चलो, तो बुच ने भाई ऑटन की हालत खराब कर रख दी और हाथ भी येल्लो कर दिया ऑटन का। और बुच गए टैग देने, नहीं नहीं टैग नहीं गया, नहीं दिया टैग तो शेमस को टैग मिल गया। चलो शेमस अंदर आ रहे और ऑटन की आते हालत खराब कर दी भाई, हाथ येल्लो कर दिया है। तो शेमस भी अपना फिनिशर देने जा रहे हैं और लगा दिया, शेमस ने भी अपना फिनिशर लगा दिया भाई, कुछ कर ही नहीं दे रहे भाई टीम आरआर को। पता नहीं यार मेरे में टीम आरआर इतना गंदा क्यों खेलती है भाई। ऑटन भाई इतना गंदा खेलने लग गया ना, क्या मतलब यार, इतना मजा नहीं आता इतना जब पीटते हैं ऑटन भाई। ओ भाई लो, अब रॉक को भी पीट रहा है शेमस, क्योंकि ऑटन है नीचे बेहोश, इसलिए एआई पीटता है भाई। अब रोमन को पीटने की क्या जरूरत है भाई, सबको पीटेंगे शेमस एक करके। तो अच्छी बात है ऑटन को होश आ गया, ऑटन अंदर आ रहे हैं और रोमन स्टंड ही होने वाले थे भाई। और चलो फाइनली ऑटन, कुछ किया तो नहीं अभी तक ऑटन ने, सुप्लेक्स लगा दिया पर आरकीओ दे दो एक। ऑटन की हालत खराब है वैसे, एक और फिनिशर पटेगा ऑटन एलिमिनेट, एक फिनिशर के मेहमान है ऑटन ज़्यादा से ज़्यादा। चलो चलो ऑटन कुछ करके दिखाना पड़ेगा अभी, जस्ट अब भी। और आरकीओ रिवर्स कर दिया ब्लो शेमस ने, और एक और फिनिशर लगा भी दिया आरकीओ रिवर्स करके दो रन। और शेमस यार ब्रॉलिंग ब्रूट सिस्टम में बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। और वहीं ऑटन खत्म ही है लगभग, हेड भी ऑरेंज कर दिया ऑटन का, और ऑटन ने अभी तक एक फिनिशर नहीं लगाया माँ कसम। पंड की जो रोमन को टैग मिल गया, चलो रोमन अंदर आ रहे हैं भाई, तो फिर कुछ डिस्ट्रक्शन तो होगा भाई। रोमन कुछ करो यार, इस तरह से बेइज्जती मत होने दो यार अपनी टीम की। रोमन रोमन स्पीयर के ले जाओ स्पीयर, अरे रोमन क्या कर रहे हो, स्पीयर कनेक्ट ये बोलते हैं ना भाई। देखो रोमन आते ही स्पीयर कनेक्ट कर दिया, और वहाँ रैंडी ऑटन एक भी फिनिशर कनेक्ट नहीं कर पाए भाई। अभी ऑटन जितना आराम करो उतना ही अच्छा है भाई, एक फिनिशर के मेहमान है। और फंसा के पिनफॉल करने की प्लानिंग ट्राइवल्स जिम की पर नहीं हुआ, वन काउंट में रुक गया। तो शेमस टैग देंगे फिर रोमन को मारेंगे, रोमन को मार रहा भाई। और इधर रिजोलेंट भी, अब बुज भी भाई, तीनों मिल के एक को मार रहे भाई। और चलो रोमन ने रिवर्स कर दिया फाइनली, रोमन के पास एक और स्पीयर है और रोमन ने लगा के शेमस को एलिमिनेट। ये होता है भाई ट्राइबल चीफ, इसीलिए वो ट्राइबल चीफ है, रिजोलेंट अंदर आया जो अभी तक कर नहीं पाए भाई रैंडी ऑटन, वो रोमन ने आके एक झटके में कर दिया भाई, दो फिनिशर और टाटा कर दिया शेमस का। चलो अब रिजोलेंट ने हालत खराब करी थोड़ी सी, रिजोलेंट थोड़ा सा पकड़ बनाते हुए भाई अपनी मैच में रोमन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे रिजोलेंट, वो तो बिल्कुल ही जाएंगे भाई, लगभग जाएंगे रिजोलेंट और रोमन को एलिमिनेट। पर ट्राइबल चीफ को एलिमिनेट करना इतना आसान है नहीं, पिन तो नहीं होने वाला भाई, कोई भी बचा लेगा, रॉक नहीं, अभी सबसे खतरनाक रॉक भी तो बचे हुए हैं ना भाई, जब तक रोमन रॉक है भाई। रोमन ने भाई डिस्ट्रॉय कर दिया शेमस को यार, खतरनाक भाई रोमन। चलो रिजोलेंट फिनिशर नहीं दे रहे भाई फिलहाल, रोमन के पास अभी एक भी फिनिशर नहीं पर सिग्नेचर है रोमन के पास, गिलिटीन सुपरमैन पंच, गिलिटीन लगा दिया रोमन ने। और रिजोलेंट चलो डैमेज बॉडी पर डैमेज नहीं हुआ, ग्रीडिन लगा दी, एक फिनिशर भी आ गया रोमन के पास। लो अभी एक स्पीयर रोमन के पास है, तो रोमन इसका यूज़ करते कि नहीं सही से भाई, पर रोमन को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि लो बॉडी ऑरेंज हो गई रोमन की। पिन फिर भी नहीं होगा मैं बता दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ पिन नहीं होगा। चलो बुच आ गए बीच में, वैसे ही टूट गया, अभी भी रोमन का पिन नहीं हुआ। रोमन जा रहे हैं टैग देने की कोशिश करेंगे क्या, पर जा नहीं पाएगी उतना दूर। रिजोलेंट ने फिलहाल ऑरेंज कर दी, मतलब दो लोग से पिटे हैं ना भाई रोमन, रोमन के पास स्पीयर है कभी भी याद रखना।
चाहे तो रोमन से स्पीयर लगा सकते हैं और ये अपने फिनिशर ले जाएंगे, सुपरमैन पंच और स्पीयर। ये वाला फिनिशर भी खतरनाक है भाई, और लग गया और रिजल्ट का हेड येल्लो हो गया। एक और चलो नहीं हुआ, पिन बच गए, होता भी नहीं ना वैसे कुछ है अभी। रोमन चलो टॉप रोप पे जा रहे भाई, एलिमिनेट हो जाएंगे क्या, पर बुश जाके बचा लेगा। चलो इंटरप्ट कर दिया बीच में बुश ने, वरना वैसे भी फिर शायद उतना कुछ डैमेज नहीं होता खास। रोमन अब जाके टैग दे दो, सिग्नेचर फिनिशर कुछ भी नहीं है। ओ सिग्नेचर आने ही वाला है रोमन के पास जल्दी। और रिजवान की हालत भी इतनी कुछ ख़राब नहीं है, बस हेड ही येलो है और उसके पास सिग्नेचर फिनिशर दोनों, सिग्नेचर आने वाला है फिनिशर दो दो है। अभी तक रिजवान ने एक सिग्नेचर है फिनिशर कुछ भी नहीं दिया। वहाँ से रैंडी ऑटन और रॉक टैग मांगते हो भाई यार, रिजवान और ऑटन को टैग मिल गया। अब ऑटन कुछ तो करो मेरे भाई, ऑटन भी कुछ नहीं किया भाई, एक फिनिशर है ऑटन के पास और पंड किक के लिए जा रहे हैं ऑटन। पंड किक लगा दिया, पंड किक, चलो एक फिनिशर तो लगा दिया कम से कम। अभी भी कुछ नहीं, पर हेड या हेड देख सकते हो रेड कर दिया भाई रिजवान का। बुच अभी तक बुच की हेल्थ देखो सबसे ज़्यादा है अभी तक, और वहाँ रॉक की हेल्थ सबसे ज़्यादा है। बुच ने स्टार्ट किया था मैच को पर उसके टैग देने के बाद और आई नहीं बुच, इसलिए बुच की हेल्थ फुल है, बॉडी भी डैमेज नहीं है। और यहाँ डबल टीम करेंगे शायद ले जाके रैंडी ऑर्टन। रॉक आएंगे क्या अंदर, चलो रॉक को चांस ही नहीं मिला भाई, रोमन अंदर आ रहे हैं तो डबल टीम रिजवान के ऊपर। बॉडी भी येल्लो कर दी है रिजवान की, और रोमन के पास सिग्नेचर बस आने ही वाला है, पिन तो नहीं होगा। बुच है अभी बचा लेगा, चलो बुच ने बचा लिया, पिन तो नहीं होना था। चलो रिजवान बाहर गए, अब रोमन शायद बुच को पीटे भाई क्योंकि ये रिजवान बाहर है ना। हाँ चलो बुच की पिटाई हो रही, चालू बुच की भी हेल्थ कुछ तो कम होगी। चलो बॉडी वॉडी डैमेज नहीं हुई, चलो रिजवान अंदर आ गए। चलो रोमन के पास कुछ नहीं, एक फिनिशर भी आने वाला है रोमन के पास भाई। चलो सिग्नेचर आ गया रोमन के पास, कभी भी लगा सकते हैं भाई, और फिनिशर भी आ ही जाएगा। चलो सिग्नेचर नहीं आया रोमन के पास, हड़िया हड़िया सिग्नेचर, इंस्टेंट रिकवरी यूज़ कर ली ना सिग्नेचर हड़िया। और फिनिशर आने वाला है सर रोमन के पास सब भी। अब रोमन चलो अंदर जाओ वरना ये पीटेगा फिर से ऑटन को, ऑटन फालतू में स्टंट। और इस कारण भाई मानना पड़ेगा बंदा तीन तीन करीब फिनिशर आने वाले, और अभी तक बंदे ने एक फिनिशर नहीं दिया। बोलो वहाँ रोमन ने एलिमिनेट करके बैठे सेमस को और बंदा एक फिनिशर नहीं दे रहा है। रिजॉरेंट्स रिवर्स कर दिया फिलहाल रोमन ने, अब फिनिशर और सिग्नेचर दोनों ही आने वाला है रोमन के पास, एक पंच और फिनिशर आ ही जाएगा। और चलो रिवर्स कर दिया, रिवर्स हो गया रिजॉर्ट ने रिवर्स कर दिया, तीन तीन फिनिशर है रिजॉर्ट के पास, एक सिग्नेचर है। रोमन को अच्छे से एलिमिनेट कर सकते, पर रोमन ने मौका कहाँ देंगे भाई, रोमन रिवर्स कर दिए भाई, रोमन ने रिवर्स कर दिया और अपने फिनिशर के लिए जा रहे हैं, और रिवर्स कर दिया हर रिजवान ने भी, खतरनाक रिवर्सल रिवर्सल हुआ है। पर रोमन के पास सिग्नेचर है भाई, और बुज को डबल टीम करने जा रहे हैं, बुज को टैग मिलेगा शायद। रोमन रिवर्स करेंगे क्या, नहीं किया रिवर्स, और बुज आ रहे हैं अंदर, टैग मिल गया है और डबल टीम रोमन के ऊपर। चलो रोमन स्टन और बॉडी रेड हेड ऑरेंज, बुज के पास भी भाई फिनिशर है और रोमन नहीं कर पाएंगे रिवर्स क्योंकि स्टंट थे। रोमन एलिमिनेट क्या, चलो रोमन रेज एलिमिनेट भाई, बुज ने रोमन को एलिमिनेट कर दिया। और अभी रैंडी ऑटन है तो मैच फिलहाल बराबरी का हो गया, आर की टीम जीत रही थी पर अब बराबरी का हो गया भाई। रोमन एलिमिनेट हो गए हैं, द ट्राइबल चीफ द सेवियर एलिमिनेटेड। तब ऑटन या रॉक को ही कुछ करना पड़ेगा भाई, रिज हॉलैंड ने लगा दिया फिनिशर और रैंडी ऑटन भी एलिमिनेट, अब रॉक ही बचे हुए हैं। रॉक बॉटम आया और रिज हॉलैंड एलिमिनेटेड भाई, खतरनाक रॉक, ये क्या टैग मांग रहा है भाई। बुज एलिमिनेट हो चुका है भाई, ये क्या है, हाँ बुज लीगल आदमी है ना भाई। ओ मंकी फ्लिप लगा दिया भाई बुज ने, अब बुज के पास सिग्नेचर है बस, और रॉक के पास अभी भी एक फिनिशर है और सिग्नेचर भी आने वाला है बुज। अब होप एक 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 वन ऑन वन मैच हो गया भाई, 3-on-3 से भाई 1-on-1 हो गया, एलिमिनेशन क्या घचाघच हुआ पर। रोमन गए फिर से, रिज हॉलैंड गए पहले सबसे पहले, लेकिन सेमस ही गए थे। एक और रॉक बॉटम है, दही डालो रॉक, और चलो बाहर बाहर भाग गए भाई बुज। रॉक को कुछ जलवा दिखाना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, रॉक अपना कमाल नहीं दिखाओगे तो मैच हार जाओगे रॉक।
रॉक की सबसे ज्यादा हेल्थ है, वैसे अभी तक पिटे भी नहीं है रॉक। रॉक के पास चांस है भाई, पर बुच ने यार मौका नहीं दिया। ओ है इसको अभी होश आ रहा है यार, वही मैं सोचू भाई इतना देर बाद इसको होश आ रहा है। चलो बुच चॉप चॉप मार रहे भाई चॉप, और सुपलेक्स। पिन नहीं होना चाहिए, चलो अभी तक एक फिनिशर नहीं पड़ा है भाई रॉक को, क्या बोल रहा है, ऐसे ही कैसे पिन हो जाएगा। रॉक अच्छा मौका है, रॉक एक रॉक बॉटम, अरे रॉक फिनिशर क्यों नहीं लगा रहे हो रॉक, फिर से एक सुपलेक्स। नहीं भाई रॉक क्या कर रहे हो यार, इतना अच्छा मौका था, बुच को मौका पे मौके दिए जा रहे हैं और बॉडी ऑरेंजर हेड येलो करा बैठे, और वहीं बुच का देखो भाई बॉडी ऑरेंजर पर हेड डैमेज नहीं है। बुच जबकि बहुत देर से अंदर भी आए और रॉक नहीं आए थे, पर रॉक ने बॉडी ज़्यादा डैमेज करवा के बैठे हैं भाई। स्पाइन बस्टर या कुछ तो दो भाई रॉक, वन चलो किक आउट कर दिया, देर लगाया रेफरी ने, कुछ तो करो रॉक, स्पाइन बस्टर या रॉक बॉटम, रॉक बॉटम, चलो जीत गया भाई, दो रॉक बॉटम रॉक के इनफ थे मैच जीतने के लिए, और टीम आर आर इस मैच जीत चुकी है भाई, अपना पहला मैच 2K23 में टीम आर 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 जीत गई, वो भी रॉक के भरोसे यार, रॉक ने कमाल दिखाया, सब ने ही कमाल किया वैसे, पर मस्त मैच रहा यार आज, मैच देखने में मज़ा आ गया भाई, टीम आर आर ने गजब खेला था। तुम्हें भी अगर टीम आर आर का परफॉर्मेंस अच्छा लगा है, वीडियो पे नए हो यार, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो, तभी तो तुम्हारे भाई की वीडियो चलेगी यार, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में कल या फिर शाम को, तब तक के लिए बाय, बैठे केयर एंड पीस आउट।